लोगों ने करना है। उन्हें बताया गया था, जानकारी दी गई थी, सवाल ये था। हमें सुबह से पीडीडी वालों को मैंने ठीक 7 बजे बता दिया था कि शाम को रोड बंद होगा और जो जहां के डीडीसी या बीडीसी हैं उनको, उनके साथ जो साथी है उन्होंने सबने उनको बता दिया था। आज सुबह का ही सब लोगों को ये पता था कि शाम को रोड बंद होगा। सवाल ये उनका है कि क्या आपने डीडीसी बीडी चेयरमैन को किसी को बताया? नहीं, हमें सबको बता दिया, हमने सबको बताया है और सबको बताया, एडमिनिस्ट्रेशन को बताया है, गया था कि आज पुल बंद होगा अगर जहां पर बिजली का मसला नहीं किया। पंचायतों को रियासी की बिजली मिलेगी? वो यार हमें लगने के बाद पता। नहीं, 5 पंचायतों में कोशिश करूंगा क्योंकि हमने ये भी देखना है ना, यहाँ देते देते हम वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर। इस समय की बड़ी अपडेट लगातार हम आपको बढ़ रही, बिजली पर जो प्रोटेस्ट चल रहा था, बिजली की किल्लत को लेकर जो प्रोटेस्ट चल रहा था, इस समय की बड़ी अपडेट आपको बता दें कि ये प्रोटेस्ट जो है वो फिलहाल समाप्त हो चुका है। पीडीडी डिपार्टमेंट के आला अधिकारी यहाँ पे पहुँचे हुए थे, उनके आश्वासन पर के 5 दिनों के बाद जो है यहाँ पे पोल भेज दिए जाएंगे और कहीं ना कहीं जो रियासी तहसील के साथ पंचायतें लगती हैं उन पंचायतों को जो है वो रियासी की बिजली मिल सकेगी, ऐसा आश्वासन इनकी तरफ से दिया गया है। और बताते चलेंगे वीरवार तक का समय जो है वो दिया गया है। और प्रोटेस्टिंग की बात करते हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर वीरवार तक इस इशू के ऊपर काम नहीं किया जाता तो शुक्रवार को फिर से सुबह यहाँ पे वर्ग ब्रिज को जो है वो बंद किया जाएगा। तो जो कुछ समय की बड़ी और ब्रेकिंग अपडेट, लगभग 2 घंटे हम कहेंगे कि वर्ग नदी ब्रिज जो था वो आम लोगों की आमद के लिए बंद रहा। शिवपुरी यात्रा जो टूरिस्ट यहाँ पे उनको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिलहाल इस समय की बड़ी अपडेट आपको दे दें कि ये प्रोटेस्ट जो है वो समाप्त हो चुका है और पीडीडी एक्शन की तरफ से ये आश्वासन दिया गया है कि अब बहुत जल्द जो है वो सराउंडिंग जो भी पंचायत है रियासी की उनको जो है वो रियासी की बिजली मिल सकेगी। क्या आश्वासन दिया हमने? आश्वासन यही दिया कि इनको कल वीरवार को इनको छुट्टी आ जाएगी, ऐसी इनको लाइन मिल जाएगी सर। कब तक लाइन आ जाएगी सर? सर कितनी पंचायतों को रियासी की बिजली मिलेगी? 5 बजे सर, जब आपने 4 दिन का समय पहले मांगा था तब आपने क्या किया? पहले नहीं दिया था, मैं वहाँ पे डूबे था, मेरे साहब आए थे, उन्होंने इनको बोला था हम वीरवार तक और आपकी करेंगे। सर कितनी पंचायतों को रियासी की बिजली मिलेगी? पंचायतों को रियासी की बिजली मिलेगी? वो यार हमें लगने के बाद पता। नहीं, 5 पंचायतों में ये दिक्कत चल रही है, आश्वासन क्या रहेगा इन 5 पंचायतों के लिए? पूरी मिल जाएगी, कोशिश करेंगे सर 5 पंचायतों में। नहीं, कोशिश करूंगा क्योंकि हमने ये भी देखना है ना, यहाँ देते देते हम वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, स्टेशन ओवरलोड कर देंगे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पिछले करीब 1 हफ्ते में तो कितना टाइम नहीं आई है, वो कारण क्या था और 1 हफ्ता क्यों लग गया अभी तक? टेक्निकल फॉल्ट आती है, आपको अगर थोड़े से नाजुक इंसुलेटर पंचर हुए होते हैं, पंचर हो जाते हैं इंसुलेटर तो पता नहीं लगता। अब एक एक खंभे पे हमारे लड़के एक एक खंभे पे चढ़ के उसको देख एक एक करके उन्हें देखा है, 3 दिन से वो लगे हुए हैं, सुबह आते हैं और यहाँ पे बड़े लोगों को पता भी होगा कि वो सुबह आके वहाँ से लेके लाइन पूरी पेट्रोल कर रहे हैं। सर वो 3 दिन से तलवाड़ा में बैठे, कोई एक खंभे पे भी नहीं चढ़ा है, कोई इलाज नहीं कर रहा है।